अपनी ही बेटी पर बुरी नजर डालने से रावण का हुआ सर्वनाश। जय श्री राम दोस्तों, दर्पण ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज का प्रसंग बहुत ही रहस्यमयी है। आज का विषय है कि अपनी ही बेटी पर बुरी नजर डालने से रावण का सर्वनाश हुआ था। तो क्यों हुआ था रावण का सर्वनाश, और रावण की कौन सी अपनी बेटी थी जिस पर रावण ने बुरी नजर डाली, जिसका उसे फल अवश्य मिला। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। परंतु आपसे निवेदन है कि हमारी वीडियो की समाप्ति तक ही बने रहें। दोस्तों, दशानन रावण का नाश पर स्त्री हरण ही नहीं, अपनी पुत्री पर बुरी नजर डालने के चलते हुआ था। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक माता सीता का जन्म राजा जनक की ओर से बारिश के लिए चलाए गए हल से टकराकर निकले घड़े से हुआ था। लेकिन वह जनक पुत्री होने से पहले रावण पुत्री थी। आज हम आपको बताएंगे कि रावण ने उसके साथ ऐसा क्या किया जिससे उन्हें धरती से जन्म लेना पड़ा। दोस्तों, निसंतान रहे मिथिला नरेश जनक ने धरती से मिली सीता को अपनी पुत्री मानकर लालन पालन किया और स्वयंवर के जरिए वह श्री राम की अर्धांगिनी बनी। मगर असल में सीता रावण और मंदोदरी की बेटी थी। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह बनी भगवान विष्णु की उपासक वेदवती। सीता इन्हीं वेदवती का पूर्व जन्म में नाम था। वेदवती बेहद सुंदर, सुशील और धार्मिक कन्या थी। वह विष्णु उपासक होने के साथ उनसे ही विवाह करना चाहती थी। वेदवती अपनी इच्छा पूर्ति के लिए संसारिक जीवन छोड़ उपवन में कुटिया बनाकर तपस्या में लीन हो गई। इस दौरान एक बार रावण वहां से निकला तो सुंदर वेदवती को देखकर मोहित उठा। अपनी आदत के चलते उसने वेदवती से दुर्व्यवहार करना चाहा। आहत होकर वेदवती ने हवन कुंड में कूद कर जान दे दी। दोस्तों, मगर मरने से पहले वेदवती ने रावण को श्राप दिया कि वह खुद रावण के यहां पुत्री के रूप में जन्म लेकर उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। दोस्तों, ये वेदवती ने रावण को श्राप दे दिया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार कुछ समय बाद ही रावण की रानी मंदोदरी गर्भवती हो गई, जिनसे एक पुत्री प्राप्त हुई। इसे वेदवती के श्राप का असर समझकर रावण ने जन्म लेते ही पुत्री को सागर में फेंकवा दिया। सागर में डूबती कन्या सागर देवी वारुणी को मिली, जिन्होंने उस कन्या के लिए धरती देवी को यानी पृथ्वी मां को सौंप दिया, जहां से वह राजा जनक और रानी सुनैना को मिली थी और कालांतर सीता के रूप में जानी और पूजी गई। राम विवाह और पंचवटी में सीता के अपहरण के चलते श्री राम ने लंका पर चढ़ाई कर रावण का वध किया। दोस्तों, सीता मैया दिव्य स्वरूप मानी जाती हैं। कहा जाता है कि जब रावण उनके अपहरण के लिए आया, इससे पहले ही सीता ने अपना वास्तविक शरीर अग्नि देवी को सौंप दिया था। दरअसल अगर रावण वास्तविक सीता जी को बुरी निगाह से देखता तो वहीं भस्म हो जाता। यही वजह थी कि अंत में भगवान राम ने अग्नि परीक्षा के रूप में सीता को अग्नि देवता से पुनः प्राप्त किया, लेकिन धरती से उत्पन्न हुई सीता अंत में उसी में समा ही गई। तो दोस्तों, यही कारण था कि रावण ने अपनी बेटी पर कुदृष्टि डाली जिससे उसका सर्वनाश हो गया, क्योंकि सीता ही रावण की बेटी थी और सीता को ही ये चुरा करके यानी सीता का ही हरण करके रावण अपने लंका में लाया था, जो पूर्व जन्म का ये रहस्य था जो इस वीडियो के माध्यम से हमने आप तक पहुंचाया है। तो इसी कारण से रावण की मौत हुई और उसका सर्वनाश ही हो गया। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये प्रसंग? अगर आपको ये प्रसंग अच्छा लगा है, उम्मीद है शायद अच्छा ही लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक कर देना और हो सके तो दूसरों को भी शेयर कर देना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई ज्ञान चर्चा के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधुओं एवं दर्शकों के लिए जय श्री राम।